प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी का कहीं ना कहीं विनिंग फेस बताया जाता है। यही एक वजह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल के उस किले को बचाने के लिए रोड से था हथियार चलाया। आप जहां देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। इतना जबरदस्त फर्क पड़ेगा, पूरा माहौल बदल गया, पूरा पासा पलट गया। योगी जी आएंगे दोबारा? बिल्कुल 100% धड़ल्ले से। योगी जी नहीं आएंगे, 100% आ रहा, 350 प्लस सीट लेके आ रहे पिछली बार से ज्यादा। मोदी जी के लिए आए हुए। माइक में देखकर बोलिए। रोजगार नहीं मिला है, रोजगार इतना मिला हुआ है कोई गिनती नहीं है। काशी विश्वनाथ इतना बड़ा बना हुआ है, रोजगार कम से कम 150-200 आदमी कमा सकते हैं। यहाँ से सपा कह रही हम खाता खोलेंगे, इस बार 2-3 सीटें लेके जाएंगे। सुप्रा जय जय जय। कोई आशा नहीं है कि खाता भी खोल पाएगा। इसका जवाब 7 मार्च को जनता कमल के बटन पे। साफ तौर पर 7 मार्च की बात की है यहाँ पर। 7 मार्च को मतदान होगा, 10 तारीख को काउंटिंग है और उसमें एक बार फिर से ये प्रूव हो जाएगा कि बनारस की धरती से प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या लोगों ने वोट किया है। ये भी सवाल कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा 7 मार्च को जब मतदान होगा कि सीएम योगी के कामकाज को लोगों ने कितना पसंद किया है। जी मीडिया के लिए शिवम प्रताप, बनारस।